कैथल के कलायत क्षेत्र की दिव्या शर्मा का यूनेस्को संस्था के पेरिस स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयनित होने से जिलावासियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से दिव्या शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि आप इसी प्रकार देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। दिव्या के पिता मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि दिव्या बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आती थी। दिव्या शर्मा ने IISER मोहाली से MSc मैथ के बाद मॉन्स्टर जर्मनी से PhD की थी। दिव्या के पिता ने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लड़का और लड़कियों के अंतर को मिटा दिया है। दिव्या शर्मा और उनके पिता ने मुख्यमंत्री द्वारा बधाई दिए जाने पर आभार जताया। लोगों का मेरा पूरा सहयोग रहा है और मैंने जिस तत्परता से जिस ईमानदारी से कार्य किया है और मेरी जो ईमानदारी की दौलत को मेरे बच्चों ने अपनी शिक्षा के द्वारा सबसे मेरे को ज़्यादा धनवान बनाया है, वो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरा ये सपना मेरे बच्चों ने पूरा किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने भी दिव्या शर्मा को बधाई देते हुए उन्हें अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। दिव्या शर्मा को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने यूनेस्को में चयनित होकर हमारे देश और प्रदेश का और हमारे कलायत का नाम रोशन किया है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो मुहिम है, जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको साकार करने का काम किया है और हमारी दिव्या बेटी एक बेटियों के लिए उदाहरण है। मैं हमारी दिव्या बेटी को और उनके पिताजी मुकेश शर्मा जी को और हमारे कलायतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। दिव्या शर्मा की इस उपलब्धि पर उनके अन्य परिजनों ने भी खुशी व्यक्त की। इनकी पुत्री है दिव्या शर्मा जी, ये इनके लिए ही नहीं पूरे कलायत शहर प्रदेश और देश के लिए बड़े गौरव का विषय है और इससे आज पूरा शहर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई संदेश भेजा है, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। और शिक्षा के धन के अंदर ऐसी अचीवमेंट ऐसी उपलब्धि, मैं तो ये कहूँगा कि न्यू जनरेशन जो और बच्चे हैं दिव्या शर्मा जी से सीख लें और आगे बढ़ें, बड़ी खुशी का।